बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई मुझे ऐसे जोर से पीछे से इस तरीके से पकड़ा हुआ है और मुझे जाने ही नहीं दे रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई नो हॉरर वीडियो काफी वक्त के बाद आ रहा है क्योंकि मैंने ही नहीं बनाया था। एंड आप लोगों का भर भर करके कमेंट आ रहा था कि दी बस करो यार, हो गया अब हॉरर वीडियो ला दो। तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो आज का वीडियो अगेन हॉरर वीडियो है एंड ये मेरा हॉरर एक्सपीरियंस है जो कि बस कुछ दो तीन दिन पहले की है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए आपके साथ। तो आज का जो हॉरर इंसिडेंट है ना वो बहुत खतरनाक है। मतलब रियली आप अगर इसको लास्ट तक देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे साथ एक्चुअली में क्या हुआ है और क्यों हुआ है। तो आपको इसके लिए लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा एंड मेक श्योर कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे एंड प्लीज बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो इस कहानी है ना इसकी शुरुआत होती है कि मेरे आसपास में ही कोई एक घर है जो कि काफी ज्यादा भूतिया माना जाता है। मेरे घर के काफी दूर है, मतलब जब मैं आती हूं ना तो मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता है, मतलब यहाँ पे नहीं, काफी दूर है वो। तो ऐसा हुआ ना कि वो घर काफी भूतिया माना जाता है, काफी ज्यादा भूतिया। मतलब अभी उसमें ऐसी ऐसी इंसिडेंट हो रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे भी सुनने को मिल रहा था कि ऐसी ऐसी इंसिडेंट, पर मैं हमेशा की तरह इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करती थी। पर हाँ, मेरे दिमाग में सब कुछ जा रहा था कि अच्छा ऐसे इंसिडेंट इस घर में हो रहा है। हुआ क्या है, मेन पॉइंट पर आते हैं। देखो मैं ना मार्केट गई थी, ठीक है। मार्केट में हमेशा हो जाता है, अभी ठंड का वक्त है तो काफी जल्दी रात हो जाती है, ठीक है, काफी जल्दी एकदम बिल्कुल अंधेरा छा जाता है चारों तरफ। तो मैं ना आ रही थी जब, तो मेरे घर के रास्ते में जैसा कि मैंने आपको बोला कि वो घर पड़ता है, तो जब मैं वहां से गुजर रही थी ना तो जस्ट उस घर के सामने से जब मैं गुजर रही थी तो मुझे दो बिल्लियां दिखी, ठीक है, जस्ट उसी घर के सामने, ठीक है, दो बिल्लियां दिखी एंड दोनों बिल्लियां ब्लैक कलर की थी और वो इतनी डरावनी थी ना, मतलब क्या बताऊं मैं। और वैसे भी डरावनी ना भी हो, रात को बिल्ली दिख जाना मतलब आपको डर लगेगा ही, तो वो तो डरावनी थी, तो सोचो मुझे कितना डर लग रहा होगा। मैं बहुत सारे सामान खरीद के मार्केट से आ रही थी, थोड़ा सा लेट हो गया था, रात के लगभग 7:30 से 8 बज रहे थे। जैसा कि वो घर भूतिया है तो उस घर के आसपास में ना कुछ नहीं था, बस उस घर के बाहर एक वो पुराने वाला बल्ब नहीं होता जो येलो येलो कलर का जलता है, वो बल्ब जस्ट उसके घर के बाहर लटका हुआ था, जल रहा था एंड उससे बहुत कम रोशनी आ रही थी, ठीक है। और उस घर का ना एक दरवाजा बंद था और एक दरवाजा खुला हुआ था, मतलब सिर्फ एक खुला हुआ था दूसरा बंद था, ठीक है। तो उस घर के सामने ना, मतलब पता नहीं मेरा दिमाग क्या किया उस वक्त, क्या मुझे हुआ मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वो दोनों बिल्लियां मेरे सामने आई और तो मेरे को लगा कि वो आई है तो साइड से निकल जाएगी, लेकिन नहीं, जब मैं जिधर से जाने की कोशिश कर रही हूँ ना, उनको क्रॉस करके जिधर से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो मुझे जाने ही नहीं दे रही है। मतलब जब भी मैं आगे बढ़ रही हूँ ना तो वो उस तरफ आ जा रही है, जब मैं इधर से बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ तो वो उस तरफ आ जा रही है। लिटरली मेरी हालत खराब थी, सच में बता रही हूँ। मैं सोच रही थी चिल्लाऊं किसी को बोलूं पर आसपास कोई भी नहीं था, तो उस वजह से और भी ज्यादा डर गई थी मैं। तो उस वक्त क्या हुआ ना कि फिर मैं जब मेरे को समझ में नहीं आया ना, तो जब मैं सोच ही रही थी तो वो बिल्ली ना मेरे पर, पता नहीं वो अटैक के मूड में थी और मैं डिफेंस के मूड में थी, तो वो मेरे पर ना काटने के लिए, अटैक करने के लिए जब वो मेरे आगे आई ना, तो मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई एंड मैंने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे वो जो घर था ना, वो भूतिया वाला घर, उसके वो जो दरवाजा बंद दरवाजा था उसके पीछे जाकर छुप गई। वो मेरी जिंदगी की आई नो सबसे बड़ी गलती होगी जो थी, मैंने कर चुका है ऑलरेडी। तो मैंने उस वो दरवाजे के पीछे मैं छुप गई जाकर एंड मैं बिल्ली को देख रही थी, वो बिल्ली पता नहीं अपने आप ही वहां से गायब हो जाता है, ठीक है। मैंने जब 2-3 बार देखने की कोशिश की तो वो बिल्ली वहां पर थी ही नहीं, तो मेरे को लगा कि चलो बिल्ली चली गई है, अब मैं बाहर निकल के जल्दी से अपने घर पे चली जाऊंगी, मतलब घर चली जाऊंगी जल्दी से। अब मैं जब उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मैं बाहर देख तो पा रही हूँ पर जब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई मुझे ऐसे जोर से पीछे से इस तरीके से पकड़ा हुआ है। मुझे बस इतना फील हो रहा था ना कि मुझे कोई पकड़े हुए है बहुत जोर से और वो नहीं चाहता है कि मैं यहां से जाऊं, ठीक है। मैं बहुत, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं इतनी बार कोशिश कर रही थी ना कि मैं निकलूं यहां से निकलूं, और मेरी डर से हालत खराब था क्योंकि घर के अंदर एक भी लाइट नहीं था, मतलब जो थोड़ा सा बाहर से जो लाइट आ रहा था ना, जो बल्ब लगा हुआ था बस उसी से लाइट आ रहा था। ओह माय गॉड, वो मतलब मैं कैसे बताऊं, मेरे को कैसा फील हो रहा था उस वक्त। मैंने बहुत कोशिश किया, जब मैं बहुत मुश्किल से जब मैं वहां से बाहर निकली ना, तो बाहर निकलकर थोड़ा सा मैं आगे गई, ऐसे जब होता है ना कि कोई आपको पीछे से जोर से पकड़ा हुआ होता है और आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो, मतलब उसे छूटने की कोशिश करते हो, तो आप जोर से आगे जाकर गिर जाते हो, ठीक है।
मेरे साथ भी सेम वैसे ही हुआ। आगे में एक पिलर उसी घर का खड़ा था, पिलर वहां पे है, तो मैं उसे जब मतलब छूट कर जब निकला ना मैंने, मतलब अपने आप को निकाला, तो मैं जोर से उस पिलर से जाकर टकरा गई। एंड देन मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो कोई नहीं, पीछे मुड़कर जब मैंने देखा कोई नहीं था। जब मैं वहां से भागने की कोशिश करती हूँ, मेरा बैग ही, क्योंकि मैंने आपको बताया बैग में मैंने काफी सारी चीजें भरी रखी थी, तो बैग मुझसे गिर गया था, तो मैं बैग उठाकर जब पीछे मुड़ती हूँ और भागने की कोशिश करती हूँ, तो एक व्हाइट कलर की परछाई थी, शेडो था, पता नहीं क्या था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो व्हाइट कलर का ऐसा था ना कि वो इंसानी रूप में था, ठीक है, इंसानी शक्ल में था, शक्ल नहीं था, मतलब बॉडी, हमारी बॉडी की जो शेप होती है ना, उस शेप में व्हाइट कलर का लाइट था। तो वो ना बहुत जोर से मेरे तरफ आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जब ये चीज मैंने देखा ना, ओ माय गॉड, मैं अभी जब से मैंने ये चीज देखा है ना, तब से मैं मतलब रात को अकेले सो ही नहीं रही। पहले मैं अकेले रूम में सोती थी, पर अभी ऐसा मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि वो मेरे पास फिर से आ जाएगा। तो जैसे ही मैं वहां से भागने की मैंने कोशिश किया, देखा व्हाइट कलर का लाइट अंदर घर से निकलकर एंड मेरे पीछे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोशिश नहीं कर रहा, एक्चुअली आ रहा था। उसके बाद जो मैंने वहां से भागी हूं मैं, मतलब इतने जोर से मैंने दौड़ा है वहां से ना, कि मतलब मैं ही जानती हूँ कि मेरे घर पहुंचने तक मेरी सांस कैसा हो रहा था, ठीक है। तो मैं दौड़कर वहां से भागी हूँ, उस गली से वहां से निकली हूं मैं। एंड जब भी बार बार मैं पीछे मुड़कर देख रही हूँ, वो लाइट मेरे पीछे पीछे आ रही है। और जैसे ही मतलब मेरे को फील हुआ ना कि ये मुझे पकड़ लेगी, मतलब ये और मेरी एकदम इतना करीब तक आ चुका था, मतलब पीछे साइड से आप समझ लो एकदम यहां तक आ चुका था, उतने में ही मेरी नींद खुल गई। गाइज आई एम सो सॉरी, यस ऑफकोर्स, ये कोई झूठ नहीं है, मैं कोई कहानी नहीं बना रही, आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच में मैंने तीन दिन पहले ये मैंने सपना देखा है। और एक्चुअली में ऐसा कोई घर है इधर तो जो कि सच में भूतिया है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारे पूरे इलाके में ना फैली हुई है कि ये घर भूतिया है। तो अब किसी के दिमाग में चला जाता है ना, तो वो बैठ जाता है दिमाग में जाकर, ठीक है, कि हाँ यार ऐसा है, तो यहां से गुजरते वक्त ना दिमाग में आ जाता है कि ये भूतिया घर है। तो ये चीजें ना बहुत वक्त से दिमाग में चल रहा था, एंड जब मैं सोई ना, तो इतना मतलब ये सपना सच में खतरनाक था, बहुत डर लगा था, सीरियसली बता रही हूँ। और ये बात भी रियलिटी है कि मैं अपने रूम में नहीं सो रही हूँ अभी कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। पर ये चीजें मेरे साथ रियलिटी नहीं हुई है, क्या मैं आपको सच में इतनी बेवकूफ दिखती हूँ कि अगर मेरे को बिल्ली से बचना हो तो मैं भूतिया घर में भाग जाऊंगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई एम सो सॉरी, जस्ट अ जोक। मैं मतलब हमेशा आप हॉरर वीडियो देखते हो तो कभी हॉरर में फनी, मेरे साथ तो हमेशा होता है, मैं हॉरर में फनी डाल ही देती हूँ किसी न किसी तरीके से। तो ये भी एक तरीके का मजाक नहीं था, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे दिमाग में बस आया कि चलो ये वाला ना शेयर करते हैं। वैसे भी मुझे इन सारी चीजों पे भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप बार बार जब एक ही चीज सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में वो घर कर लेता है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, इसीलिए मैं बोल रही थी लास्ट तक देखो तभी मजा आएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, होप सो। तो अगर इसी टाइप का वीडियो अगर आप और भी चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जाकर कि हाँ मुझे इसी टाइप का वीडियो चाहिए। एंड जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और अभी तक तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। एंड आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो अब मेरे जाने का टाइम आ गया, आपको कौन सा नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है, व्लॉग देखना है, हॉरर वीडियो देखना है, या कॉमेडी वीडियो देखना है, जो भी वीडियो देखना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइस, बाय।